स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद शेख। कर्नाटक के बीजापुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से जागरूकता मुहिम। हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में मुस्लिम पर्सनल लॉ के ताल्लुक से गलत फहमियाँ दूर करने और समाज में खासकर मुस्लिम औरतों को शरई मसाइल के हल के लिए बेदार करने देश भर में 23 अप्रैल से 7 मई तक ये मुहिम चलाई जा रही है, जिसके लिए बीजापुर के 5 स्लम और नगर के 5 कॉलोनी 120 मकामात में मुस्लिम खवातीन ग्रुप को मिलकर इन हसास मामलात का हल बताया जाएगा, जिसकी जानकारी जमात इस्लाम हिंद के बीजापुर विंग के सदर मोहम्मद यूसुफ काजी ने दी। इस प्रेस मीट में अब्दुल कादर जामई, महमूद काजी, सलाउद्दीन पुनेकर, मोहम्मद कासिम हल्ली मौजूद थे। आप सबको मैं इतला दे रहा हूँ कि ऑल इंडिया लेवल पर एक मुहिम चल रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बेदारी मुहिम। ये 23 अप्रैल से लेकर 7 मई तक ये मुहिम पूरी ऑल इंडिया लेवल पर चलेगी इंशाल्लाह, और हमारे कर्नाटक में भी पूरे अजला के अंदर ये मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है, और उसी तरह से बीजापुर के अंदर भी ये मुहिम चलेगी इंशाल्लाह। इस सिलसिले में बहुत से प्रोग्राम हम मुनक्कद करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू बन गया है। ये आज हम देखते हैं कि हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है, और इसकी जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ मैं। हम सब जानते हैं कि हमारा जो ये पर्सनल लॉ है, ये एक हमारा शख्सी कानून है, ये हमारी पूरी शरीयत नहीं है, ये बल्कि शरीयत का एक हिस्सा है ये, और हम चाहते हैं हमारा ये कानून अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दिया हुआ कानून है। इसी का एक अमली नमूना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हम देखते हैं। जब हमने देखा कि आज़ादी से पहले भी जब ब्रिटिश हुकूमत थी, हमने बहुत पुरजोर तरीके से मुतालिबा किया था कि हमारी शरीयत की हिफाजत की जाए। हर मुसलमान के दिल के अंदर जज्बा है ये शरीयत हमारी किसी हालत में महफूज होना चाहिए। उस वक्त में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1937 में एक शरीयत एक्ट बनाया और उस पर अमल 1947 तक होता रहा। हमारे तमाम फैसले कोर्टों के अंदर इस शरीयत के मुताबिक देने के लिए तमाम जजेस को हिदायत दी गई थी। उसके बाद में 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, उसके बाद में मुल्क का एक आईन बना, और उस वक्त के मुल्क के रहनुमाओं ने मुल्क की भलाई के लिए ऐसा आईन हमारे लिए तैयार किया, उसके अंदर दफ़ा नंबर 25 के अंदर बात बता दी गई कि यहाँ का रहने वाला हर शहरी अपने मज़हब पर वो रह सकता है, अमल कर सकता है, और पुरमन तरीके से जमहूरी तरीके से अपने मज़हब की तबलीग भी कर सकता है। मगर उसके बाद में हम देखते हैं कि ये कानून तकरीबन 70 साल से इस मुल्क में फैसला इसी हमारे पर्सनल कानून के मुताबिक हो रहा है, मगर अभी भी चंद रोज से पहले हम देख रहे हैं इस कानून में तब्दीली करने की कोशिश की जा रही है। ये किसी हालत में मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है, किसी का इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं है। हरगिज़ हमें इसको कबूल नहीं करेंगे कि हमारे ये आईली कानून में किसी तरह की मुदाखलत हो। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मुहिम चलाई जा रही है, और ख़ासकर वो मुसलमान जो इस कानून के बारे में सही इल्म नहीं रखते हैं, उनको हम बेदारी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस सिलसिले में ख्वातीन भी बहुत बुरी तरह से इसका शिकार हैं। इसलिए हमारी कोशिश इस बात की है कि पूरे शहर के अंदर हमने बहुत से बड़े बड़े प्रोग्राम करने का तय किए हैं। अभी कल हमारा एक प्रोग्राम इफ्तिताही जलसा होने जा रहा है जो जमात इस्लामी हिंद के ऑफिस में होगा, और इसमें शहर के तकरीबन 200-300 लोगों को बुलाकर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, और वहाँ पर लिटरेचर और तबादला ख्याल के ज़रिए इस मुहिम के बारे में जानकारी उनको हम दे रहे हैं। उसके बाद शहर के 5 स्लम एरियाज़ में भी हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों के अंदर बेदारी लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से शहर के बड़े बड़े 5 मोहल्लों के अंदर भी कोशिश कर रहे हैं, उलमा इकराम की नशीत भी बुला रहे हैं, वकला की नशीत भी बुला रहे हैं, और बहुत से मौज़िन की नशीत भी बुलाकर पूरी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी मुल्क की आबादी के अंदर एक बहुत बड़ा हमारा हिस्सा है, और हमारे जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं वो हमारे वतन के भाई हैं, उनके सामने भी हम बात बहुत ही अच्छे अंदाज से रख रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आज उन तमाम लोगों के सामने हम ये बात को वाजा करना चाहते हैं, हम इस मुल्क की भलाई चाहते हैं, हम इस मुल्क में शांति चाहते हैं, हम इस मुल्क के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दिए हैं और देने के लिए भी तैयार हैं, मगर हमारी शरीयत कानून के अंदर जो मुदाखलत हो रही है उसको हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, और अच्छे अंदाज से हम इस बात की आपके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह इस सिलसिले में ये भी बात मैं अर्ज़ करूँ, हमारे ख़वातीन भी
पूरे शहर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। हर मोहल्ले को जाकर मुस्लिम ख्वातीन के अंदर जो गलतफहमियाँ हैं निकाह के ताल्लुक से, तलाक के ताल्लुक से, विरासत के ताल्लुक से, वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी तमाम कोशिशों को आप सब लोगों का तआवुन रहे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। बीजापुर में जेडीएस माइनॉरिटी सेल की तरफ से माइनॉरिटी कार्यकर्ताओं की मीटिंग, जिसमें पार्टी से जुड़े रहकर जेडीएस को मजबूत करने और मुस्लिम नुमाइंदगी को लेकर पार्टी में हालात साजगार करने की बात की गई। हमारे पास ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जो वोट को लेते हैं, जैसे ही वोट लेकर अपनी गवर्नमेंट बन जाती है, खास तौर पर माइनॉरिटीज को यानी मुसलमानों को भूल जाते हैं। अब आप देखिए बीजापुर की हालत कैसी है, बालू नहीं है, सेंट्री का काम नहीं, हमारे नौजवान बेकार हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।